देश में इन दिनों लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। सियासी पार्टियां और उम्मीदवार इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। जमकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन मठ मंदिरों और जो आश्रम है सनातन धर्मियों के, वहां भी खास पूजा अर्चना की जा रही है पार्टियों के पक्ष में, उम्मीदवारों के पक्ष में। और इस वक्त हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज में यमुना नदी के तट पर स्थित ओम नमः शिवाय आश्रम में, जहाँ गुरु जी मौजूद हैं, साथ ही साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। आज यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के लिए रुद्र महायज्ञ किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये भगवान शिव की ये पूरी एक मूर्ति रखी हुई है और यहाँ पर इसका खास अंदाज में श्रृंगार किया गया है, पूजा अर्चना की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से जीत हासिल करें, तीसरी बार देश की कमान संभालें, इसके लिए यहाँ पर खास प्रार्थना की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं सब ने सिर पर लाल रंग का साफा बांध रखा है। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, हाथ उठाकर लगातार जयकारे कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ से इस बात की कामना कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से जीत हासिल करें, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। क्यों ये कामना की जा रही है, किस तरीके से पूजा अर्चना की गई है, हम इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ गुरुजी हैं। गुरुजी बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत के लिए किस तरीके से पूजा अर्चना लगातार की जा रही है और क्यों चाहते हैं कि वो एक बार फिर से देश की कमान संभालें? देखिए, पहली बार अपने देश में ऐसा प्रधानमंत्री बना जो संत है, संत स्वभाव का है, वो सबका कल्याण कर रहा है, हर जात हर धर्म का कल्याण कर रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री को देश से हटना अपने देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बने और उनके प्रधानमंत्री बनने के लिए मैं भगवान भोलेनाथ से बार बार विनती कर रहा हूं, रुद्र महायज्ञ कर रहा हूं कि सारी बाधाएँ दूर हो जाएँ और तीसरी बार प्रधानमंत्री। गुरु जी, ये बताइए कि किस तरीके से लगातार आपके आश्रम में नरेंद्र मोदी जी की जीत के लिए महायज्ञ किया जा रहा है, किस तरीके का अनुष्ठान किया जा रहा है? यहाँ पर रुद्र महायज्ञ हो रहा है, इसके अलावा भी भंडारा चल रहा है, गरीबों को भोजन कराया जा रहा है कि उनके दुआओं से भी उनका कल्याण हो जाए और भोले बाबा के कृपा से भी उनका हो जाए और किसी भी तरह से जो राक्षसी प्रवृत्तियाँ हैं, राक्षसी प्रवृत्तियाँ देश से चली जाएँ और हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बन करके तीसरे बार शासन फिर हिंदुस्तान पर करें। जो संत महात्मा हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो ये चाहते हैं कि चूंकि नरेंद्र मोदी के राज में ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, रामलला अपने धाम में विराजमान हो चुके हैं, इसलिए भी, और ये देखिए तमाम जो है यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं ये पूरा भगवान राम को समर्पित गीत सुना रही हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन हैं। ये बताइए, भगवान राम पर आधारित कौन सा गीत आप सब लोग मिलकर सुना रही हैं, कौन सा गीत आज गा रही हैं? मेरे झोपड़ी के भाव आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाव आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के कह रहे हैं राम आएंगे, राम तो अपने धाम में आ चुके हैं, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, अब आप ये सुनाइएगा कि जो है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप लोग तब तक सोच लीजिए, तैयारी कर लीजिए, तब तक जो श्रद्धालु हैं हम उनसे बात कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो ये क्यों चाहते हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी फिर से जीत हासिल करें, फिर से देश की कमान संभालें, क्या कामना कर रही हैं? हमारे मोदी जी आए, माननीय प्रधानमंत्री जी आए, जो बहुत हम लोग का सनातन धर्म को वही सर्वोपरि रख सकते हैं, हमारे हिंदू धर्म का रक्षा हो सकता है, मतलब वो सब कुछ देश के लिए भी कर रहे हैं, विकास के लिए भी, धर्म का भी बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं ना, सभी उनको चाहते हैं। हम लोग की यही कामना है, भगवान से यही, भोले बाबा से विनती है
अपने प्रभु जी की कृपा, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से कि हम चाहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी फिर आए एक बार, जो अपने नरेंद्र मोदी फिर से आए क्योंकि सनातन धर्म का विकास कर रहे हैं। क्या चाहते हैं हम लोग? तो यही चाहते हैं कि वो फिर से आए। सनातन धर्म जो भगवान से रिलेटेड है उन्हें आना ही चाहिए। जिन्होंने इतना बड़ा मंदिर का निर्माण कराया, वैसे ही लोगों की इस देश को जरूरत है। कहते हैं कि दुआ बहुत काम आती है, ठीक है ना? तो किस तरीके से दुआ कर रहे हैं, किस तरीके से प्रार्थना कर रही हैं? हम बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी फिर से बने प्रधानमंत्री, और जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो मेरे काशी विश्वनाथ का मंदिर भी बनेगा। अयोध्या बन चुका है, काशी मथुरा बाकी है, ये नारा तो लगातार बीजेपी के लोग भी दे रहे हैं। किस तरीके का आशीर्वाद है आप लोगों को नरेंद्र मोदी जी को? माननीय नरेंद्र मोदी सर ही आएंगे ऐसा हमारी मनोकामना है। प्रभु जी से और भोलेनाथ से हमारी यही मनोकामना है, क्योंकि माननीय मोदी सर ने सिर्फ हिंदू सनातन धर्म का ही विकास नहीं किया है, अपितु सभी धर्मों का विकास किया है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम। बिना भेदभाव के काम करते हैं, वो कहते भी हैं कि सबका साथ सबका विकास। क्या नाम है आपका? जी दीपक जी है, मेरा नाम दीपक सिंह है, भुवनेश्वर से हूँ जी। हम सब यही चाहते हैं कि क्योंकि मोदी जी ने सभी हिंदू सनातियों का सिर सर से ऊँचा किया है, और राम मंदिर का अहम मुद्दा है इस बार लोकतंत्र में, और जो इंटरनेशनल लेवल पर मोदी जी ने सारे विश्व में भारत का लोहा मनवाया है, तो हम और विकास का मुद्दा अहम मुद्दा है जी। हम सब यही चाहते हैं राम को लाएँ हम उनको लाएँ जी। तो ये बताइए आपका क्या नाम है? मनोज गुप्ता। मनोज जी, किस तरीके से काम कर रहे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ परम पूज प्रभु जी कृपा सर काम पूर्ण हो रहा है। एक बार चाहते हैं कि मोदी सरकार फिर वापस आए, सनातन धर्म के जय हो, एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर से मोदी सरकार। आपका नाम क्या है? जी महेश चंद मिश्रा। मिश्रा जी थोड़ा सा ऐसे घूम आइए, बढ़िया लाइट पड़ेगी आपके चेहरे पे। बताइए क्या कामना कर रहे हैं और कैसे जतन कर रहे हैं? हम फिर पूजा भर से काम चलेगा या गांव गलियों में जाके प्रचार भी करते हैं? जी हाँ, प्रचार करते हैं, और हम सभी की यही कामना है, भगवान से प्रार्थना है कि मोदी सरकार हर बार मोदी सरकार। एक बार यही, तीसरी बार नहीं, बार 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 मोदी सरकार। तो देखिए ये जो बच्चे थे, ये इनका गीत तैयार हो गया होगा, गुरुजी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं और बच्चों का गीत भी सुन लेते हैं। गुरुजी ये जानना चाहेंगे कि मोदी जी के राज में अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, काशी और मथुरा कह रहे हैं अभी बाकी, उसको पूर्ण रूप से मुक्त कराया जाना है, इसीलिए आप जैसे संतों का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी के साथ है? देखें इसके अलावा ये तो हमारे आराध्य हैं, भगवान हैं, हम लोग देशभक्त हैं, मेन चीज हम लोग देशभक्त हैं, हम लोग उसी का सपोर्ट करते हैं जो हमारे देश के लिए कुछ करता है। तो जब से मोदी जी आए हैं अपने देश के इतना काम किए हैं, ये तो जो पहले जितने शासक थे सब मारे, अपने देश को बेच डाले, ये सब जयचंद हैं, ज़्यादातर जयचंद बैठे हैं, हम इन जयचंदों को देखना नहीं चाहता। अब मोदी एक ऐसा है जो अपने देश के लिए अपना सब कुछ, उन्होंने जो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात की है उससे आप प्रभावित हैं कि पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ रहा है? मान बढ़ा है, हमको भगवान तो हमारे दिल में बैठे, हर जगह बैठे हैं, मंदिर बन गया बहुत खुशी है, काशी मथुरा बन जाता है और खुशी है, लेकिन मुख्य हमारा देश है। अगर देश है तो हम हैं, देश नहीं तो हम नहीं हैं। तो हमारे मोदी जी देश के लिए मर रहे हैं। पूरा आशीर्वाद है संतों का, पूरा, इसीलिए तो आशीर्वाद है भाई, वो रहेंगे तभी तो हम सफल रहेंगे, नहीं बाहरी आक्रमण करने वाले हमारा सब नष्ट कर देंगे। तो इसलिए उनका बनना तो बहुत ही जरूरी है, इसलिए अभी उन पर मैं एक नया भजन बनवाया हूँ, आप वो भजन सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, ये बच्चों से भजन सुन लेते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो भक्त लोग हैं सैकड़ों की संख्या में हैं, सिर पर लाल साफा इन्होंने पहन रखा है और हाथ उठा के जयकारा लगाते हुए किस तरीके से पूरा माहौल बनाया जा रहा है, भगवान भोलेनाथ से गुहार लगाई जा रही है कि उनका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी पर रहे, वो तीसरी बार देश की कमान संभालें, सिर्फ कमान ही ना संभालें बल्कि सेवा भी करें। तो ये देखिए सैकड़ों की संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, सिर पर लाल साफा बांधे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के खास अंदाज में यहाँ पर कामना की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, भगवान भोलेनाथ से, महादेव से गुहार लगाई जा रही है, उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। और देखिए ये बच्चों ने जो है एक और गीत सुनाने की तैयारी में है जी। बच्चों शुरू करिए आप लोग। मेरे देश के भाग आज खुल जाएंगे, मोदी आएंगे, मेरे देश के भाग आज
आज खुल जाएंगे, मोदी आएंगे, मोदी आएंगे, आएंगे मोदी आएंगे, योगी आएंगे, आएंगे योगी आएंगे, मेरे देश के भाग आज खुल जाएंगे, मोदी आएंगे। मेरा सिर्फ गीत ही सुनाएंगे या कम से कम तालियां बजा के आप लोग इनका साथ तो देते रहिए ना जी। मेरा देश सफल हो जाएगा, मेरा देश सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, सारी जनता के दुख आज मिट जाएंगे, मोदी आएंगे, मेरे देश के भाग आज खुल जाएंगे, मोदी आएंगे। विश्वास है कि मोदी आएंगे जी? बिल्कुल आएंगे। आप सब लोगों को है विश्वास? मोदी के नाना है। क्या नाना है? क्या कहती है मोदी जी को, क्या मानती है? बताओ ना, क्या मानती हो? नाना मानते हैं। नाना मानती हैं, मतलब आपकी माता जी उनको अपने पिता तुल्य मानती हैं जो है वो। तो ये जो बच्चे कह रहे हैं मोदी आएंगे तो देश के भाग खुल जाएंगे, गरीबों के भाग खुल जाएंगे, ऐसा ही है गुरु जी? एकदम ऐसा ही है, एकदम 100% खुल गया है और आगे जो बाकी बचा वो भी खुल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर खास माहौल नजर आया ओम नमः शिवाय के आश्रम में। यहाँ पर नरेंद्र मोदी की जीत के लिए खास महायज्ञ किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है, भगवान भोलेनाथ से गुहार लगाई जा रही है कि उनका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी पर बरसे, वो तीसरी बार देश की कमान संभालें, देश की सेवा कर सकें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।